नमस्कार, युग दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयंती नटराजन ने कांग्रेस छोड़ी। पूर्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और कांग्रेस की कद्दावर नेता जयंती नटराजन ने आज पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कांग्रेस छोड़ दी। नटराजन ने कांग्रेस पर राह से भटकने का आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी चाहते थे कि बड़ी परियोजनाओं को तुरंत फुरत हरी झंडी मिल जाए। राहुल अनुरोध भेजते थे लेकिन यह हमारे लिए आदेश की तरह होता था। कांग्रेस में लोकतंत्र की कमी का आरोप लगाते हुए नटराजन ने कहा कि यह मेरे लिए बहुत ही दुखद दिन है। हालांकि उन्होंने कहा कि उनकी अभी किसी और पार्टी में जाने की योजना नहीं है। कर्नल राय की शहादत का अपमान, गिलानी ने आतंकवादियों को बताया शहीद। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी ने एक बार फिर देश को शर्मसार करने वाला बयान दिया है। गिलानी ने मुठभेड़ में मारे गए आतंकवादियों को शहीद कहकर बवाल खड़ा कर दिया है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के प्रमुख गिलानी ने ट्विटर पर एक फोटो पोस्ट की है और उसके साथ लिखा है कि हजारों लोग आबिद अहमद खान के अंतिम संस्कार में हिस्सा ले रहे हैं, जो पेशेवर फौज से लड़ता हुआ 27 जनवरी को शहीद हो गया। इसी मुठभेड़ में भारतीय सेना के कर्नल MN राय और पुलिसकर्मी संजीव सिंह शहीद हो गए थे। गिलानी इतने पर ही नहीं रुके और इसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया। उसमें उन्होंने कहा कि पूरा कश्मीर वर्चुअल जेल है, जिसमें भारतीय सेना को किसी की भी हत्या की छूट है। हमें कोई भी धमकी बोलने से नहीं रोक सकती। गौरतलब है आतंकवादियों को शहीद कहने वाले गिलानी को सेना ने ही कश्मीर बाढ़ के दौरान बचाया था। भाजपा के विज्ञापन पर विवाद, अन्ना हजारे की फोटो पर माला। दिल्ली चुनाव की सरगर्मी के बीच भाजपा ने एक व्यंग्यात्मक विज्ञापन जारी किया है। इस विज्ञापन के सहारे भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर सीधा हमला बोला है। इस विज्ञापन में अरविंद केजरीवाल का कार्टून बना हुआ है। विज्ञापन में वे अपने दोनों बच्चों के सिर पर हाथ रखे हुए हैं और उनके बगल में छपा हुआ है, सत्ता के लिए बच्चों की झूठी कस्में तक मैं खाऊंगा और रात दिन ईमानदारी का डंका भी बजाऊंगा। साथ ही बैकग्राउंड में अन्ना हजारे का फोटो लगा हुआ है, जिस पर फूलों की माला पहनाई हुई है। इसके विरोध में आपके आशुतोष ने ट्वीट किया है कि भारतीय परंपरा के अनुसार किसी की फोटो पर माला मरणोपरांत चढ़ाई जाती है। चार सौ पाकिस्तानी हिंदू चाहते हैं भारतीय नागरिकता। गुजरात में रह रहे पाकिस्तान के 400 से ज्यादा हिंदू परिवारों ने गुरुवार को यहां केंद्रीय गृह मंत्रालय और जिलाधिकारी कार्यालय की तरफ से आयोजित शिविर में शिरकत की। दो दिवसीय शिविर का आयोजन नागरिकता की मांग करने वाले लोगों की अपील पर किया गया। रेजिडेंट उपायुक्त MS गोहिल ने कहा कि नागरिकता फॉर्म स्वीकार करने का मानक यह है कि व्यक्ति भारत में 7 वर्षों से ज्यादा समय से रह रहा हो। हिंदू समुदाय के 28 लोगों ने आवेदन दिए, जबकि पाकिस्तान के 2 मुस्लिम परिवारों ने भी शिविर में भारतीय नागरिकता की मांग की। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के भारत दौरे की सराहना। अमेरिका के एक अग्रणी स्वास्थ्य व्यापार संगठन एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी एसोसिएशन ने राष्ट्रपति बराक ओबामा के हालिया भारत दौरे की तारीफ की है। उसका कहना है कि इस दौरे से चिकित्सा क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार में तेजी सहित आर्थिक सहयोग में इजाफा होगा। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए www.webdunia.com। नमस्कार।